हम वो जब लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करते हैं, तो ये विषय ऐसा है जिस पर कई दिनों तक बातचीत की जा सकती है। कुछ मिनटों में तो आप इसको छू भी नहीं सकते। कोशिश करेंगे 2-5 मिनट में बातें सिलसिला शुरू हो। जहां तक लोकतंत्र की चुनौतियों का सवाल है, संविधान सभा की डिबेट देखिए, जब लोकतंत्र को, संसदीय लोकतंत्र को सरकार चलाने की पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया, जब उसको लेकर डिबेट हुआ, उस डिबेट में भी कोई इस तरह की सहमति बनी कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं रहा। तब भी लगा कि नहीं, इसमें कुछ सुधार गुंजाइश है। संविधान में जो मुख्य बात मानी हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए, वो समानता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, और समानता के अधिकार, समानता के सिद्धांत के आधार पर ही लोकतांत्रिक प्रणाली को शासन चलाने की व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान बन जाने के बाद, लोकतंत्र को स्वीकार कर लेने के बाद, गणराज्य बन जाने के बाद, इस देश में आज भी और तब भी बहुत से लोग असहमत थे। वो ये मानते थे कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही सब कुछ लिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है नया। बहरहाल ये जो असहमति संविधान को लेकर, संविधान में स्वीकार की गई अवधारणा को लेकर जो तब भी बनी और आज भी बनी हुई है, मैं समझता हूं यही हमारे जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। लोकतंत्र के को लेकर जिस चुनौतियों को आज महसूस किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ, ये चुनौतियां उस दिन शुरू हो गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो भाषण है संविधान सभा के आखिरी में, वो ये भाषण पूरा आप देखें, तो उन्होंने इतनी आशंकाएं उसमें जाहिर की हैं कि इसको लेकर क्या 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 हो सकता है, और उसमें से बहुत कुछ सही भी साबित हो रही है, हम अनुभव से सीख रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, भारतीय जीवन पद्धति में, भारतीय सामाजिक संरचना में लोकतंत्र विरासत में मिली है, तो उस विरासत में मिली एक व्यवस्था को हम कितना आगे बढ़ा पा रहे हैं, ये चुनौती तब भी थी और आज भी है। लेकिन इस विरासत को ऐसा कोई खतरा है कि वो खत्म हो जाएगा, ये न तब था न आज है और न आगे कभी रहेगा।